रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी आपने सोनभद्र से तस्वीरें देखी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की संयुक्त परीक्षा नीट और जेईई देने वाले करीब 25 लाख विद्यार्थियों को एक बात समझनी चाहिए। वे बेशक चाहते थे कि कोरोना के समय प्रवेश परीक्षा ना हो। उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा, सरकार का पक्ष भी सुना। अब कोर्ट का आदेश आ गया है कि परीक्षा होगी तो परीक्षा होगी। अब मुझे सैकड़ों मैसेज करने से, दिन रात फोन करने से परीक्षा रद्द नहीं होगी। हाँ, उनकी चिंताएं जायज लगती हैं कि इतने तनाव में वे कैसे परीक्षा देंगे। आपकी उम्र अभी कम है, संक्रमण हो सकता है, यात्रा करनी पड़ेगी, सेंटर पर भारी भीड़ हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन बातों का भी जिक्र अदालत की सुनवाई में हुआ होगा। अब अगर सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो परीक्षा होगी। सरकार के पास अब कोर्ट के आदेश भी हैं। आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, मुझे परेशान किया, सैकड़ों ईमेल किए मुझे, फिर भी आप गोदी मीडिया में स्पेस हासिल नहीं कर सके। आपके सवालों को लेकर वैसी चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर आप मुझे देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कारण कई बार बता चुका हूं। हाँ, समझ 20 साल बाद आएगी मेरी बात। अगर परीक्षा को लेकर तनाव होता है तो मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। आप प्रधानमंत्री की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ें। ये किताब आपको मिल जाएगी, अमेज़न पर है, हिंदी में 78 रुपए में और अंग्रेजी में 90 रुपए में मिल जाएगी। इससे आपको परीक्षा देने में, कोरोना दोनों के तनाव का सामना करने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं शायद पहला एंकर हूं जो एग्जाम वॉरियर को प्रेस्क्राइब कर रहा हूं। एग्जाम वॉरियर वॉरियर होता है जो परीक्षा तो देता है मगर तनाव से नहीं घबराता। इसलिए जितने भी लोग ये मुझे मैसेज करते हैं कि देश की बात प्राइम टाइम में दिखा दीजिए ताकि सरकार नीट जेईई की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दे, उससे बेहतर है कि आप एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। मेरी इसमें कोई भूमिका अब नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं आपका। दुनिया के कितने प्रधानमंत्रियों ने परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने के लिए किताब लिखी है। आपके देश में यह सुविधा है तो आप लाभ उठाइए। अब आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जिस सरकार के मुखिया ने आपके परीक्षा के तनाव को लेकर किताब लिखी हो एग्जाम वॉरियर्स, क्या उनकी सरकार में किसी को समझ नहीं होगी कि कोरोना के समय परीक्षा कराने को लेकर आप 17 से 20 साल के नौजवान तनाव में आ सकते हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने आपके बारे में पूरा विचार किया होगा और यकीन होगा कि आप उन्हें आप पर यकीन होगा कि आप परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जाम वॉरियर्स पढ़ा होगा। बिना डरे बिना घबराए, जब भी तनाव हो तो एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें। रविश कुमार को व्हाट्सएप मैसेज ना करें। ऐसा नहीं है कि हम नीट और जेईई के छात्रों की बात उठाने की जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। एक तरह से आज भी आपकी ही बात उठा रहे हैं। इसके पहले भी हम जून के महीने से देश की बात में ये बात उठा रहे हैं। आप देश की बात की आर्काइव में जाकर देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत भीड़ हो जाएगी, यात्राएं करने पर आप मजबूर होंगे, देह से दूरी का पालन नहीं होगा। अभी आपने देखा यूरिया के लिए ही क्या हाल है यूपी के सोनभद्र में, अगर आपने सोनभद्र का नाम सुना होगा तो। संक्रमण का खतरा हो सकता है, आपकी परेशानी भी सही है, लेकिन आपकी बातें सरकार को मालूम है, कोर्ट को मालूम है। जो सरकार कोर्ट में कह रही है कि वो परीक्षा कराएगी, उसने सारी चीजों को सोच लिया है, वो कोर्ट के आदेश के बाद क्यों कहेगी कि हम परीक्षा नहीं करा सकते? वैसे सरकार अब भी कह सकती है मगर उसके रुख से अब नहीं लगता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी उम्र कम है और आप लोग अभी नागरिक जीवन की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, इसलिए प्रक्रियाओं का पता होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप इन प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, बधाई, ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया, गोदी मीडिया से भी उम्मीद की, जिस पर जनता के सवाल को लेकर ना के बराबर बहस होती है, खबर तो होती नहीं है। आमतौर पर जनता मीडिया को बहस के लिए टॉपिक देती है, पब्लिक देती है, लेकिन अब मीडिया पब्लिक को टॉपिक देती है कि आप इस पर बहस करें दिन रात। इसे टॉपिक नहीं, टॉनिक कहते हैं। करोड़ों लोगों की शाम ऐसे डिबेट के टॉनिक से कटती है, आपके घरों में भी कटती होगी। समस्या यही है कि मेरी बात के समझ आने की डेडलाइन 20 साल बाद की है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम, इसलिए आज समझ नहीं आएगी। आप सभी को शुभकामनाएं, आप खुशी खुशी परीक्षा दें, कम नंबर आने को लेकर बिल्कुल तनाव ना करें। एग्जाम वॉरियर्स में भी यही बात है कि इम्तहान जीवन का अंत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग जरूर पूछेंगे कि
कि क्या सरकारी भर्तियों की परीक्षा के सताए उम्मीदवार भी एग्जाम वॉरियर्स पढ़ें, तो मेरा जवाब है कि पढ़िए, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है कि एक दवा से सारी बीमारी ठीक हो जाए। पूरा पढ़िए आप, और भी किताबें हैं, पढ़िए। सरकारी परीक्षाओं का हाल आपके जीवन काल में ठीक नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं और मेरा अनुभव भी कहता है। जीरो टीआरपी एंकर हूं इसलिए आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, जबकि मेरी बात ही देश की बात होती है। आप सरकारी भर्ती परीक्षा को लेकर मुझे मैसेज ना करें, बहुत कर लिया आपने। वैसे देखा जाए तो असली एग्जाम वॉरियर्स आप लोग ही हैं। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग के इंतजार में चार चार साल एक परीक्षा से लड़ते हैं आप लोग, ये होता है वॉरियर्स, हारता नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, न जाने कितने राज्यों में करोड़ों की संख्या में छात्र सरकारी परीक्षा की भर्ती के नतीजे आने के इंतजार में मुझे मैसेज करते रहते हैं, और कितने ही साल से कर रहे हैं, पे ट्रेंड कराते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कुछ तो 7 से 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। कमाल है। ये है असली एग्जाम वॉरियर्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सताए परीक्षार्थी हों या रेलवे में लोको पायलट की बहाली पूरी नहीं हुई है उसके सताए परीक्षार्थी, रेलवे की परीक्षा के एग्जाम वॉरियर्स को मेरा नंबर हाथ लग गया है, सुबह उठकर मुझे मैसेज कर देते हैं और रेल मंत्री को टैग कर देते हैं। सरकार एक काम कर सकती, अपनी भर्ती परीक्षा के फॉर्म में एग्जाम वॉरियर्स का ही दाम जोड़ ले, 70-80 रुपए की किताब है, और सबको एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम वॉरियर्स की एक कॉपी भेज दे कि भाई रिजल्ट आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, इसलिए आप इस किताब को पढ़ें, तनाव दूर होंगे, असफलता को समझें। वैसे इस मामले में असफलता सरकार की है कि कई साल में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, चाहे झारखंड हो चाहे इधर राजस्थान, चार चार साल तक एक परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में गुजार देते हैं आप नौजवान। सरकार से इतनी उम्मीद तो खुद सरकार को भी नहीं होगी। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र भी नीट और जेई के छात्रों की तरह परेशान हैं। कोरोना के संक्रमण के डर से नहीं चाहते कि परीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष को व्यापक समय दिया, सबसे पूछा, सबको सुना, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला नहीं आया है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए, उसे पता चलेगा कि बहस की दिशा क्या है, किस तरह के तर्क दिए गए।